हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, अपने पास अभी है टार का शाइन। तो जो बाइक होती है या कार होती है, उसको जब हम क्लीन करते हैं तो बाइक वगैरह पे तो हम पॉलिश कर लेते हैं, पर टायर पे पॉलिश हम जल्दी नहीं करते। तो टायर्स वगैरह का जो कलर है वो थोड़ा सा डल लगता है कुछ टाइम के बाद। तो उसके लिए ये और प्रोडक्ट होता है, इसको हम स्प्रे करके और इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं और कार पर इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा इसका रिस्पॉन्स है। तो गाइस, अभी आप लोग इसी टायर की कंडीशन देख सकते हो। जितना भी रबर फिनिश में जो ब्लैक कलर था न्यू में रहता, तो फिर कलर जो है पूरा डल हो गया। तो फिर इस प्रोडक्ट को हम आधा में लगाएंगे और आधा को ऐसे छोड़ देंगे, फिर आप लोग रिजल्ट देख पाओगे कि कितना डिफरेंस है। सो गाइस, कार के इस वाले टायर पे मैंने अच्छे तरीके से जो साइनर है उसको अप्लाई कर दिया है। एंड टायर की आप साइनिंग देख सकते हो, ब्लैक कलर की पूरी लग रही देखने में बहुत तगड़ी। एक बार मैं आप लोगों को जो वो पहले वाला टायर जिस पर हमने प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया वो दिखा देता हूँ। सो गाइस, इस वाले टायर पे जो है हमने साइनर को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है। एंड इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कि ये कलर थोड़ा सा डल लग रहा है देखने में। एंड सेम साइड हमने जिस पर पॉलिश अप्लाई किया वो वाला टायर ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। सो गाइस, जैसा कि आपने रिजल्ट देखा वीडियो में कि जिसपे हमने साइनर यूज़ किया था वो वाला टायर ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, एंड जिसपे हमने साइनर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया था वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो मेरा यही ओपिनियन रहेगा, आप आराम से इस प्रोडक्ट को यूज़ करो। एंड जब भी आप लोग बाइक या कार को वॉश करो, उस पर पॉलिश करने के बाद ना टायर को बिल्कुल भी मस्त मिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट था टायर को पॉलिश करना। बाइक से तो चल जाता है कि टायर का थोड़ा सा पोस्चर ही दिखता है, पर कार में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कार में जो टायर्स हैं अवेलेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही उसके लुक के एनहांस करने में मदद करते हैं। सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट पैर से वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।